उदाहरण 9, ज्योति ने 1997 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन वाले पद पर कार्य प्रारंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपये हो गया? हल, वर्ष 1997, 1998, 1999, 2000 अनंत तक में मासिक वेतन 1997 का में मासिक वेतन रुपये में है। 1997 का मासिक वेतन 5,000 रुपये, 1998 का 5,200, 1999 का 5,400, 2,200 हम यहाँ पे इसका योग करते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे, और वर्ष 2000 का इसका मासिक वेतन 5,600 रुपये होगा। इसी प्रकार यहाँ अनंत तक जाएगा। यह एक समांतर श्रेणी है क्योंकि किन्हीं दो क्रमागत पदों का अंतर यहाँ 200 है, इसीलिए सर्वांतर डी बराबर 200 है, और प्रथम पद हमारा ए बराबर 5,000 है। माना एन वर्षों, में ज्योति का वेतन 7,000 रुपये हो गया। तब एन बराबर 7,000। अब हम एन का सूत्र लगाएंगे, जो कि हम जानते हैं, ए धन कोष्टक में एन ऋण एक कोष्टक बंद गुणा डी होता है बराबर 7,000। अब सूत्र में ए का मान रखने पर ए का मान हमारे पास 5,000 है। प्रथम पद हमारा 5,000 है, तो हम लिखेंगे ए के स्थान पर 5,000 धन एन ऋण एक कोष्टक में लिखेंगे, क्योंकि हमें एन वर्षों का मान ज्ञात करना है, और उसी प्रकार सर्वांतर हमारे पास 200 है, तो कोष्टक के बाहर हम 200 लिखेंगे बराबर 7,000। या 5,000 का पक्षांतर जब हम करेंगे तो हमें प्राप्त होगा कोष्टक में एन ऋण एक कोष्टक बंद गुणा 200 बराबर 7,000, और क्योंकि हम 5,000 का पक्षांतर करेंगे बाएं से दाएं पक्ष की ओर, तो चिन्ह बदलेगा ऋण 5,000। या कोष्टक में एन ऋण एक कोष्टक बंद गुणा
200 बराबर 7000 में से 5000 को हम घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 2000। या 200 का पक्षांतर जब हम करेंगे बाएं से दाएं पक्ष की ओर तो इसका मान हो जाएगा n ऋण 1 बराबर 2000, और 200 का पक्षांतर यहाँ बटे में जाएगा बटा 200। 2000 बटा 200 को जब हम हल करेंगे तो आगे देखते हैं, n ऋण 1 बराबर 2000 बटा 200 को हल करने पर हमें 10 प्राप्त होता है, और ऋण 1 का जब हम पक्षांतर करेंगे तो n बराबर ऋण 1 का पक्षांतर होने पर धन 10 1 हो जाएगा। इस तरह से n का मान हमें 11 प्राप्त होता है। इसीलिए 11वें वर्ष में अर्थात 2007 में ज्योति का वेतन 7000 रुपये हो गया। इस तरह से हमने देखा कि ज्योति का वेतन 7000 11 वर्षों के बाद होगा। यह इस उदाहरण का हल है।